वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सिंपल गर्ल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में आप सबके साथ एक हेयर स्पा शेयर करने जा रही हूँ। जी आफ्टर स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग हमारे हेयर बहुत ही ज़्यादा रफ और ड्राई हो जाते हैं, समटाइम्स ये ऑयली भी फील होते हैं। इस हेयर स्पा के लिए हम सबसे पहले लेंगे एंजल स्पा ट्रीटमेंट का बॉक्स। अकॉर्डिंग टू हेयर आप अपनी क्रीम को निकाल सकते हो किसी भी एक बाउल में। अब हम एलोवेरा जेल लेंगे। मैंने पतंजलि के लिए, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हो, अगर हो सके तो नेचुरल ले, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अब हम इसमें जॉनसन बेबी या किसी भी हेयर सीरम के 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे। नाउ मैंने यहाँ पे विटामिन ई का 1 कैप्सूल लिया है, जो कि आपके हेयर को जो डैमेज हो चुका है स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की वजह से उसे रिपेयर करेगा। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने हेयर्स को अच्छी तरह से शैम्पू करेंगे और एक्स्ट्रा वाटर को अच्छे से निकाल देंगे पैक ड्राई करके। हमें यहाँ पे अपने हेयर्स कम्प्लीटली ड्राई नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी स्पा की क्रीम होगी हम अपने वेट हेयर्स पे ही लगाएंगे। इसलिए अब हम अपने हेयर्स को 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे और अच्छी तरह से डिटैंगल कर लेंगे। अब हम अपने हेयर के एक सेक्शन को सिक्योर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ लिप। मेक श्योर कि आपके हेयर्स पे कोई किसी भी तरह की टैंगल ना हो। अब हम अपने हेयर्स के छोटे छोटे सेक्शन लेंगे और उसके ऊपर क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे अच्छी तरह से। अगेन हम एक छोटा सा सेक्शन लेंगे और सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हम इसी प्रोसेस को अगेन और अगेन करते जाएंगे जब तक हम अपने पूरे हेयर्स पे इसको नहीं लगा लेते।
हम एक बाउल में पानी लेंगे और अपने हाथों को गीला करके अपने हेयर्स पे मसाज फिर से करेंगे। इस टाइम आपको छोटे छोटे सेक्शंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही छोटे छोटे सेक्शंस लेके उनके ऊपर क्रीम लगा के अच्छे से मसाज कर ली। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके अपने स्कैल्प के ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह से अपने स्कैल्प के ऊपर मसाज करेंगे। इस मसाज की हेल्प से अगर आपकी स्कैल्प पर किसी भी तरह का डैंड्रफ या इचिंगनेस की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील होगा। अब हम अपने हेयर्स को अच्छी तरह से टाई कर लेंगे और इस क्रीम को अपने हेयर्स में 15 से 20 मिनट के लिए रखने देंगे और उसके बाद हम इसे नॉर्मल टैप वाटर की हेल्प से रिमूव कर लेंगे। अब आप देख ही सकते हो मेरे बालों पे शाइन कितनी आई है ना। इस समय ना तो मैंने किसी भी स्ट्रेटनर का यूज़ करा है, ना ही कोई सीरम है मेरे हेयर्स पे और ना ही किसी कंडीशनर का यूज़ करा है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, आप जितने अच्छे से मसाज करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इस बार ट्रीटमेंट को 15 दिन में एक बार करते हो तो आपकी रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग काफ़ी टाइम तक अच्छी बनी रहेगी और इसकी हेल्प से आपके जो डैमेज हेयर हुए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी इजी पीजी से मेकअप लुक भी अच्छी लगी हो तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे लाइव है। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए या तो स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग की पोस्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।